सरकार को क्या कहें, इतनी महंगाई बढ़ा रहे हैं, हम कहाँ से पेट पालेंगे अपने बच्चों के, वो गरीब को ही पिचाते जा रहे हैं। सरकार को यही कहना चाहेंगे कि कम से कम रेट करो, गरीब आदमी कैसे गुजारा करेंगे, घर का खर्चा कैसे चला है, सब्जी में इतनी महंगी हो रही है बहुत ज्यादा। हम दो हमारे दो, देश की संपत्ति को बेच दो बांट लो, ना भरे इतने से भी मन तो रोज गरीब जनता की जेबें काट लो। मोदी सरकार जिस रफ्तार से महंगाई बढ़ाकर जनता की कमर तोड़ रही है, इतिहास में उसे स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। पहले ही नोटबंदी महामारी और अनियोजित लॉकडाउन से बेसहारा हुए नागरिकों की जान पर बनाई है, लेकिन उन्हें सहारा देने की बजाय मोदी सरकार कभी पेट्रोल डीजल तो कभी घरेलू गैस के दामों में ताबड़तोड़ इजाफा कर उन्हें खून के आंसू रुलाने से बाज नहीं आ रही है। ऐसा लग रहा है मानो नरेंद्र मोदी की सरकार गरीबी हटाओ का मतलब गरीबों को हटाओ समझ बैठी है। आज एक बार फिर घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में इजाफा कर मोदी सरकार ने जनता के पीछे महंगाई रूपी तारकासुर छोड़ दिया है। आज पुनः रसोई गैस के दाम में 25 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। अब दिल्ली में बिना सब्सिडी वाले 14 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर की कीमत 769 रुपए से बढ़ाकर 794 रुपए हो गई है। बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर के दाम में 25 रुपए तक का इजाफा किया गया है। महज एक महीने के अंदर ये तीसरी बार की गई बढ़ोतरी है। फरवरी महीने में अब तक 3 बार गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए हैं। सरकार ने 4 फरवरी को एलपीजी के दाम में 25 रुपए का इजाफा किया था। इसके बाद 15 फरवरी को एक बार फिर से सिलेंडर के दाम में 50 रुपए बढ़ाए गए थे, और अब ये तीसरी बार है जब फिर से 25 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। 1 दिसंबर से अब तक 200 रुपए तक महंगा हुआ है घरेलू गैस सिलेंडर। 1 दिसंबर को गैस सिलेंडर का दाम 594 से बढ़ाकर 644 रुपए किया गया। 1 जनवरी को फिर से 50 रुपए की बढ़ोतरी के साथ 644 रुपए वाला सिलेंडर 694 रुपए का हो गया। 4 फरवरी को की गई बढ़ोतरी के बाद इसकी कीमत 644 रुपए से बढ़कर 719 रुपए हो गई। 15 फरवरी को 719 रुपए से 769 रुपए हुई, और आज यानी कि 25 फरवरी को 25 रुपए दाम बढ़ने से इसकी कीमत 769 रुपए से 794 रुपए तक जा पहुंची है। इससे पहले दिसंबर 2020 में भी 2 बार घरेलू सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी की गई थी। आपदा में अवसर ढूंढकर देश को लूटना ही भाजपा का एकमात्र उद्देश्य बनकर रह गया है। गरीब त्राहिमाम कर रहे हैं, लेकिन ये निर्लज्ज सरकार चंद पूंजीपतियों की गोद में बैठकर जनता को परेशान करने से बाज नहीं आ रही है।